अनिताज लाइफ विथ ब्यूटी। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग तो नहीं है बट आफ्टरनून है। और ये दोनों बच्चे देखिए क्या कर रहे हैं, परी बहुत बेकार है, इसकी कॉपी गुम गई है और कॉपी भी भैया से कंप्लीट करा रही है। कॉपी मैंने भैया से कब कंप्लीट करवाई, हिंदी संस्कृत सब होमवर्क मैं कर रही हूं, होमवर्क बस इनको। हां और भैया से ये देखो भैया से ये क्या करा रही है, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही है ना, चार चैप्टर किए मैंने कंप्लीट, एक्टिविटी कंप्लीट कर रही है, कर रहा है सॉरी। क्या आज परी आधी झूठ बोल रही ना, क्या कर रहे तुमने किया है? ये देखो लाइफ प्रूफ हिंदी कॉपी जितनी दिख रही है पूरा कंप्लीट। इसकी तीन कॉपियां गुमी है मुझे घर में, मैंने पूरा ढूंढ डाला है बट घर में नहीं है, मुझे लगता है तो बाहर आई है, स्कूल में ही छूट गया है। पर यहाँ पर कंप्लीट कर रही है कंप्यूटर से और लैपटॉप से कर रही है ये यहाँ पर, और आदित्य यहाँ पर एक्टिविटी कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट करूँ और मैं झाड़ू लगा रही हूँ, ये देखिए यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। और खाना नाश्ता बन चुका है, आज नाश्ते में उपमा बनाए थे और अभी दाल चावल बनाएंगे, दाल ऑलरेडी बन चुका है, बस बनाना है चावल। अरे, खाना अरे तो मेरे बेटे को चावल दाल ही पसंद है। कल क्या बनाए थे परी? पुलाव जो मैंने मौज से हाँ था। पुलाव बनाए थे। चलिए ठीक है थोड़ी देर में मिलते हैं। दोस्तों ये आफ्टरनून का समय है और मैं भर रही हूँ पानी बोतल फ्रिज में लगाने के लिए, और क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि नॉर्मल पानी पीना बिल्कुल मुश्किल है, तो ये मैं बोतल भरूंगी और इसको लगाऊंगी फ्रिज में। और देखिए बाहर से आवाज़ आ रही है, मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ बट ये बच्चे बोल रहे हैं पीछे से, तो जल्दी जल्दी मैं पानी भरती हूँ। और यहाँ पर दो तीन दिन के क्लिप हैं जो मैंने आप जोड़े हैं, क्योंकि कुछ वीडियो हम शूट नहीं कर पाए थे, तो जो मेरे पास क्लिप थे तो मैं आप शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों बने रहिएगा, प्यार देते रहिएगा मेरे ब्लॉग को, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत आप ही लोगों से हेल्प मिल सकती है मुझे। बार बार बोलती हूँ कि प्लीज़ ऐड आता है तो स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐड से ही थोड़े बहुत हमें इनकम होती है। और यहाँ पर बोतल भर चुका है और मैं डाल रही हूँ फ्रिज में, और बस ये दो बोतल ही लगाऊंगी और कुछ भगोने में भी लगा के रख देती हूँ मैं पानी। और ये देखिए सुन बच्ची बन गया जी, जा बड़ी यहाँ बन रही है चाय बन रही है, अपने फान पर है और मैं बना रही हूँ पराठा। बाजू में देखना तो पराठा बन रहा है, आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म पराठे खाने। पराठे और चाय किसको किसको पसंद है? मेरे घर में तो मेरे बच्चों को पराठा चाय ही पसंद है ज़्यादा, और हस्बैंड को भी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, बन रही है चाय और पराठा। तो मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, और पूरे दिन मैं क्या शूट करती हूँ। मेरी आँख ठीक हो गई। हाँ इसकी आँख ठीक हो गई, देखिए जो बर्फ से कहीं पर तो एक ही बार की बेटा खुद कर रहा था। तो बने रहिएगा व्लॉग में और आप लोग कुछ अपनी आइडिया भी दे सकते हो, मैं आप लोगों के आइडिया इंतजार करूंगी। और पसंद आने पर अभी सुबह सुबह बोलेंगे पसंद आने पर, तो पसंद आने पर अभी नहीं बोलूंगी ठीक है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में और आ जाइए गर्मा गर्म, क्या खा लीजिए? पराठे खा लीजिए, गई चाय मिली, चाय है। ओह माय गॉड, मैं अच्छा लग रहा हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो गाइस, ये देखो ये सुन है, इसका पेपर आने वाला तो सुन जाती है पागल नहीं की। हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो, देखो आप देख रहे हो, वेलकम टू माय मम्मी यूट्यूब वीडियो, सॉरी गाइस सॉरी। फालतू क्लिप रिकॉर्ड नहीं करो, स्टॉप करो। मेरी आँख बहुत अच्छी ठीक हो गई है। तो ये फ्रेंड्स ये हम ट्रेन में बैठे हैं और ये दो तीन दिन बाद की क्लिप है, और मैं और मेरी बेटी उदयपुरा की ओर जा रहे हैं, और उदयपुरा में किसी से मैं मिलने जा रही हूँ
हमको किसी ने बुलाया था तो हमने कहा चलो ठीक है मिलने चले आते हैं उदयपुरा। और शायद मैं आप उनसे लाइव में बोल भी चुकी थी कि मुझे जाना है। और ये बेटी ने सूट किया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरा ग्रीन 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 दिख रहा है, पूरे पेड़ बहुत अच्छे लग रहे हैं। लोकेशन देख के कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ अलग दिख रहा है। और ये देखिए परी, परी क्या कर रही हो, देखो अभी नींद में है। ये क्या तुम्हारे होठ पे क्या हो गया है, ओ क्या हो गया तुम्हारे होठ पे? तो ये परी सो के उठी हुई है और सुबह के बज रहे हैं करीब 8 और अभी तक हम लोग 8 बज रहे हैं नींद पूरी नहीं हुई है, 7 बज रहे हैं अभी हम लोग सो के उठे हैं। और बस और हम कहीं आए हैं, वो देखिए वो मैडम है, एक मिनट ये हमारी मैडम है जो हम लोग ने साथ में उन्होंने जॉब किया हुआ था। और बस हम इनसे मिलने आए हैं। और मैम का नाम क्या है? पिंकी पांडे। अब कर क्या रहे हो ये? देखिए ड्यूटी पे लगी हुई है, खाना बना रही है। क्या बना रहे हो आज? आलू गोभी की सब्जी बन रही। कल रात में बने था पुलाव। और यहाँ पर हम आए हुए हैं और ये पड़ता है दूर, अभी हम प्लेस का नाम नहीं बताएंगे बिकॉज थोड़ा सा ठीक है सीक्रेट है। और अभी क्योंकि जिस काम से आए वो काम हो जाए उसके बाद बताना ज़्यादा अच्छा रहता है, तो बस मैंने कहा थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लूँ। अभी ये देखिए मैंने पहना है लोअर और ये, और ये पूरा मैं बाहर का लोकेशन दिखा रही हूँ। ऐसा यहाँ का लोकेशन ऐसा है, ऐसा यहाँ पर है। तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को वीडियो भी शेयर किया जाए। और ये हमारे भगवान जी इधर हैं आप भी बोला वो क्या क्या दिखाते रहती है। तो कल से हम आए हुए मैम के घर, और मैम का घर के ये थोड़ा सा यहाँ पर जॉब करती हैं तो वो यहाँ पर उनको रूम प्रोवाइड हुआ है, सब सुविधा वो इनको प्रोवाइड हुई यहाँ पर। तो बस मैं इनसे मिल आई हूँ। और काफ़ी मतलब हम लोग मुझे लगता है 10 साल पुरानी दोस्ती हमारी, जो हम लोग 10 साल पहले हम जॉब करते थे साथ में। और आप लोगों को पता है अभी तो मेरे पास कोई जॉब नहीं है अभी एज अ हाउस वाइफ, बट सोच रहे हैं इस साल से कि जॉब किया जाए क्योंकि नहीं हो पा रहा है। आप लोगों को पता है मेरा जो चैनल था नीता रियल व्लॉग, उससे मेरी थोड़ी बहुत इनकम हो रही थी, मेरा खर्चा चल रहा था, बट अब ऐसा नहीं है तो हो सकता है मुझे जॉब करना पड़े। तो देखते हैं माता रानी क्या चाहती हैं, क्या होता है। तो मतलब सारा अपडेट मैं आप लोगों को दूंगी और आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा। और अभी हम किसी से मिलेंगे, मिलने जा रहे हैं, वैसे मैं शूट नहीं करूँगी वो सब क्योंकि अभी उनको पता नहीं है सब चीज़ें और मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ। तो फिलहाल मैं उनको कुछ नहीं पता बताऊँगी और देखती हूँ, अगर कुछ चुपके चुपके सूट हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर मैं सूट नहीं करूँगी। तो फिर दोस्तों चलिए मैं रेडी होती हूँ, नहाती हूँ क्योंकि हो सकता है हमें लेने आज आ भी सकते हैं। और अभी मैं उनके साथ कुछ हेल्प करूँगी, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। परी बाय कर दो, थोड़ी देर के लिए बाद मिलेंगे। परी मेरे साथ आज गई थी, परी मेरे साथ आई थी अब आदित्य पता कहाँ है, आदित्य जबलपुर में, और आदित्य जबलपुर में और मैं परी के साथ हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स मैं कार में बैठी हूँ, ये एक स्कूल में मिलने आई थी अपने जॉब के सिलसिले में, और ये इसी कार में बैठी हूँ। और लक्ष्य पब्लिक स्कूल है उदयपुरा में, वहाँ का प्रचार प्रसार चल रहा। तो मैंने कहा मैं अकेले बैठ के रूम पर क्या करूँगी, तो मैं मैडम और एक दो स्टाफ के साथ भी आ गई हूँ। तो अभी विचार बना रही हूँ कि क्या होता है, जॉब करती कि नहीं करती हूँ और कुछ पता नहीं करूँगी कि नहीं करूँगी, क्योंकि जो डिमांड हमने किया था वो डिमांड हमारी पूरी नहीं हुई क्योंकि सैलरी ये बहुत कम दे रहे। क्योंकि बात ये है ना, छोटा सा स्कूल है अभी, उनकी शुरुआत है। स्टेशन पहुँच चुके हैं और गए थे गाजरवाड़ा ने, उदयपुरा गए थे, फिर वहाँ से आए हैं। अब हम लोग जबलपुर स्टेशन पर चुके हैं और किस काम से गए थे वो पता चल ही जाएगा आप लोगों को, बने रहिएगा ब्लॉग में ठीक है। और ऐसे प्रॉब्लम देते हुए तो मेरा पॉसिबल नहीं है कि बहुत कम पेमेंट में मैं यहाँ पर जॉब करूँ अपने बच्चों से दूर रहकर, तो मेरा मुश्किल है।